subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। सो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया निफ्टी को, और लगभग 213 पॉइंट गेन के साथ हम 33,638 से बंद हुए हैं। यहाँ अगर आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो लास्ट मंथ के बाद इस महीने की शुरुआत हमने पॉजिटिव नोट पे की है, और लगभग 213 पॉइंट के गेन के साथ हम क्लोज होने को सक्सेसफुल हुए हैं। और यहाँ जो है तो यहाँ मार्केट जो है तो 20 मंथ का जो एवरेज है वहाँ सपोर्ट ले रहा है, और वहाँ से एक बाउंस बैक साइन दिखा रहा है। ये बाउंस बैक कहाँ तक आ सकता है तो ऊपर 35,700 का रेजिस्टेंस है, जो पिवट पॉइंट है ऑन मंथली चार्ट। यहाँ इंडिकेटर वाइज अभी भी मार्केट जो है तो करेक्टिव ट्रेंड में है, मगर यहाँ एक बाउंस बैक आ सकता है, एक अच्छा खासा बड़ा बाउंस बैक आ सकता है। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो हमने 100 वीक का जो एवरेज था उसके नीचे गए थे, मगर वहाँ रिजेक्शन आ रहा है मार्केट पर, और वहाँ से एक बाउंस बैक की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो यहाँ 35,300 से लेकर 35,700 के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले हफ्तों में। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ जो है तो 33,500 से लेकर 600 ये जो है तो अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। इसके ऊपर जब भी मार्केट आएगा आपको लॉन्ग ही बनानी है, और आपका जो टारगेट रहेगा वो 35,300 से लेकर 35,700 का रहेगा इन मीडियम टर्म। वीकली चार्ट यहाँ एक अच्छी खासी बाउंस बैक की साइंस और सिग्नल दे रहा है, तो यहाँ हमारा लॉन्ग व्यू रहेगा एज पर वीकली चार्ट। डेली चार्ट देखते हैं। तो डेली चार्ट पे आप देखोगे यहाँ भी मार्केट ने जो है तो लास्ट मंथ 200 डेज का जो एवरेज था वहाँ रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से एक सेल ऑफ दिखाया। अभी यहाँ जो है तो ओवरसोल्ड जोन से हम जो है तो बाउंस बैक कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद अभी यहाँ मार्केट जो है तो ओवरसोल्ड जोन से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इमीडिएट टारगेट जो है तो 33,900 का टारगेट है, जो 20 डेज का एवरेज है, और उसके बाद में 34,500। तो अगले हफ्ते के लिए मेरे जो टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी पे वो रहेंगे 33,900, और उसके बाद में 34,500। यहाँ मार्केट जो है तो थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है, न्यूज फ्लो के वजह से आपको ऊपर नीचे लेवल्स देखने को मिलेंगे, मगर यहाँ आपको जो स्ट्रेटेजी रखनी है वो बाय ऑन डिप्स है। यहाँ नीचे की तरफ जो सपोर्ट जोन है तो 33,100, और उसके बाद में 32,500। तो इन लेवल के अराउंड अगर मार्केट मिलता है आपको बैंक निफ्टी, तो आपको लॉन्ग व्यू बनाना है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। टारगेट रहेंगे 33,900, उसके बाद में 34,500। हम अगर 34,500 को क्रॉस करते हैं तो आपको 35,500 तक एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को ज़रूर मिलेगी, और जो 700 का भी लेवल है उसको भी टच कर सकता है मार्केट। तो यहाँ अभी यहाँ एक रिकवरी रैली है, अभी तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है तो वो करेक्टिव हुई है, मगर यहाँ आपको एक रिडिप रैली मार्केट में देखने को मिल सकती है, या कहिए शॉर्ट कवरिंग रैली भी आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। मगर वोलेटाइल रहेगा मार्केट, आपको स्ट्रैटेजी रखनी है, सपोर्ट के अराउंड आए तो बाय करना है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और रेजिस्टेंस के अराउंड आए तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, और फिर से वेट करना है कि जब भी मार्केट सपोर्ट के अराउंड आए तभी बाय करना है। यहाँ से आगे मार्केट को ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा, जो छोटे ट्रेडर है या नए ट्रेडर है उनको वाइप आउट करते जाएगा मार्केट, मगर आपको एक डायरेक्शन लेनी है। करंटली मुझे लगता है कि अगले महीने के लिए फर्स्ट हाफ में आपको लॉन्ग व्यू लेकर चलना है, आने वाले 1 से 2 वीक मार्केट के लिए पॉजिटिव रह सकते हैं, तो आपको लॉन्ग ही व्यू रखना है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और यहाँ वोलेटिलिटी की वजह से आपको स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हुए देखेंगे, मगर आपको एक व्यू रखना है, और यहाँ मेरा व्यू रहेगा मोस्टली ऑन लॉन्ग साइड विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। सो और ऑप्शन ट्रेडर जो है तो उनके लिए सलाह रहेगी, आपको जो है तो 33,500 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस करना है मंथली एक्सपायरी का, या फिर आपको जो है तो 34,500 का जो कॉल ऑप्शन है अगस्त सीरीज का उस पर फोकस करना है। उसमें जो है डिप्स पे आपको एक्युमुलेशन करना है, और लेवल रेजिस्टेंस पे के पास मार्केट आता है तो वहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो ये रहा ऑप्शन ट्रेडर के लिए सलाह। फ्यूचर के लिए बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी, टारगेट पहला टारगेट 33,900, उसके बाद में 34,500 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आई होप सो ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
अगर आपको लाइव मार्केट में प्रीमियम कॉल चाहिए, श्योर शॉट कॉल चाहिए विद द लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलोअप, तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।